नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। डीसी डॉक्टर नरसिंह बांगड़ ने जिला में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए जिलाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में डीसी ने जिला के विभिन्न मंडियों में गेहूं खरीद कार्य की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीद कार्य में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। साथ ही डीसी ने कहा है कि 10 अप्रैल के बाद मंडियों में गेहूँ की आवक बढ़ जाएगी। प्रशासन ने गेहूं खरीद के लिए सभी पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। उठान और लदान के लिए भी टेंडर दिए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडियों के उठान को लेकर के अक्सर दिक्कतें आती हैं, कानून व्यवस्था भी बिगड़ने की संभावना रहती है, इसलिए क्षेत्रवार पुलिस अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट गेहूँ खरीद कार्य में अपना अपेक्षित योगदान दें। डीसी बागड़ ने कहा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 70% किसानों ने पंजीकरण किया हुआ है। मंडियों में पंजीकृत किसान ही फसल को लेकर के आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडियों में पर्याप्त स्थान है, जरूरत के अनुसार ही ओपन स्पेस में अतिरिक्त अनाज को मंडियों में ही इसकी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने सभी SDM से कहा है कि वे अपने अपने उपमंडल में खरीद कार्य की सुनिश्चितता बनाए रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि COVID-19 की SOP का भी ख्याल रखा जाए। जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मंत्री MLA व सांसद भी शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों में किसी प्रकार की कोई व्यवधान व असामाजिक तत्व न आने पाए, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए। संबंधित SDM व ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्रों में संगठनों व पदाधिकारियों की मदद से बातचीत करें और उनके साथ तालमेल बना करके सामाजिक तौर पर आयोजित इस कार्यक्रम में कोई व्यवधान न हो, इसलिए सभी तरह की तैयारियाँ पूरी करें और इसमें लोगों की भागीदारी भी शांतिपूर्ण तरीके से सुनिश्चित होनी चाहिए। पलवल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि रबी की खरीद का कार्यक्रम शुरू हो गया है और फसल आनी शुरू हो गई है, तो उसके लिए ड्यूटीज हमने लगा रखी हैं और इस दौरान में सही से ट्रैफिक रेगुलेट हो, मंडियों में कोई भीड़ भाड़ ना हो और कोरोना के बारे में जैसा आपको पता है कि पूरे विश्वव्यापी समस्या ये फिर से भयानक रूप से आ रही है, तो उससे बचाव के लिए भी जितनी SOP है सरकार द्वारा निर्धारित उनका पूरी तरह से पालन हो, इन सभी बातों के मद्देनज़र आज प्रशासन के सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी और उसी में उनको ये COVID-19 के बारे में SOP फॉलो करने के बारे में और ट्रैफिक को ढंग से रेगुलेट करने तथा अनाज मंडी में जैसे फसल आती है उसको खरीदने के बारे में निर्देश दिए। जिस तरह से 14 तारीख को BJP डॉक्टर अंबेडकर जयंती पे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की बात भी सामने, इस तरह इस दौरान कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसको लेकर भी? नहीं, ऐसी हमारे जिले में कोई बात नहीं है और डॉक्टर अम्बेडकर साहब वो तो महान विभूति है इस देश की, उनकी देन ही है हमारे भारत का संविधान, तो वहाँ हमारे जिले में ऐसी कोई समस्या नहीं है और ना इस तरह की कोई समस्या आने दी जाए। तो इस मुद्दे पर चर्चा भी की, अगर कोई इस तरह अगर कोई आता है बाई चांस, अगर नहीं होता उसके? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है और हमारे जिले में शांतिपूर्ण ढंग से ही जो लोग अम्बेडकर जयंती को मनाना चाहते हैं तो मनाएंगे अच्छे से शांतिपूर्ण। गेहूं खरीद का कार्य जो है सही चल रहा है? हमारे जिले में गेहूं खरीद का कार्य शुरू हो गया है और वो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है।